हेलो, नमस्कार जी, बोलिए। अच्छा, आपको एक लैपटॉप चाहिए, किस पर्पज़ से चाहिए? ठीक है ठीक है, ओके, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ आपके लिए कौन सा पीसी बेस्ट रहेगा। ओके ठीक है, आप लोगों के लिए भी इन भाई की तरह ही एक लैपटॉप की ज़रूरत है, जो कि आप सॉफ्टवेयर का काम करना चाहते हैं, या फिर स्कीमेटिक डायग्राम आप ओपन करना चाहते हैं, या फिर बोल सकते हैं प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। आप लोगों का डाउट है इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लोगों के मेरे पास कॉल भी आती है, मैसेज भी आती है कि सर मेरे लिए पीसी बनवाना है, लैपटॉप लेना है, मैं कौन सा लूँ, किस जनरेशन का लूँ, कौन सा प्रोसेसर लूँ, कौन सा विंडो चाहिए, कितनी मेमोरी चाहिए, इस तरीके की मेरे पास कॉल आती है। और आप लोगों के मन में ये सवाल जवाब बहुत ज़्यादा उठता होगा जब आप पीसी लेते होंगे। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर का काम करना है, इस्मेटिक का भी काम करना है और प्रोग्रामिंग का भी काम करना है, और आपका बजट बहुत कम है या फिर आपका बजट बहुत ज़्यादा है, तो आपके लिए कौन सा पीसी बेस्ट रहेगा? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, आपका बजट बहुत कम है, आपका बजट बहुत कम है और सस्ते में काम चलाना चाहते हो और सारा काम चलना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आज के टाइम पर ज़्यादातर हम अनलॉकिंग के लिए और प्रोग्रामिंग के लिए, या फिर हम अब हार्डवेयर सॉल्यूशन के लिए स्कीमेटिक डायग्राम टूल है वो यूज करते हैं। तो ये सारे टूल हैं, इतने हैवी कंप्यूटर की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका बजट 15,000 से 20,000 का भी है तो आप इन सारे काम को बहुत ईजिली कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ आपको, मैं 2010 से इस लाइन में हूँ, 2010 नए साल वाले दिन मैंने दुकान को ओपन किया। उस टाइम मैंने P4, बहुत टाइम हो गया, उस टाइम P4 कंप्यूटर बनवाया था। उसके बाद मैंने इंटर पास किया, तो इंटर में मेरे लिए सरकार के द्वारा, जो मुलायम सिंह सरकार के द्वारा लैपटॉप मिला था, वो भी मैंने यूज किया था कई साल। उसके बाद मैंने एक आसूस का लैपटॉप लिया था, कौन सा लिया था, डुअल कोर। और अभी तक जो आप वीडियो देखते आ रहे हैं किसी भी तरीके की, जिसमें स्कीमेटिक यूज करता हूँ, U5 भी अभी पीछे मैंने यूज किया था, वीडियो डाली थी, उसी लैपटॉप का था, आसूस का। तो अभी तक मैं डुअल कोर पीसी यूज कर रहा हूँ। अगर आपका बजट 15,000 से 20,000 का है तो आप डुअल कोर पीसी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है इतना, आपको i3 i5 i7 ही लेना है, इनके बिना आप सॉफ्टवेयर का काम नहीं कर सकते, या फिर आप स्कीमेटिक नहीं चला सकते, या प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, जो महंगे कॉस्टली पीसी होते हैं वो पड़ेगा प्रोसेसिंग का। जो हैवी, जो महंगा लैपटॉप जिसका प्रोसेसर i5 i7 है, उसके प्रोसेसर और डुअल कोर के प्रोसेसर में, प्रोसेसिंग में फ़र्क पड़ेगा। जो आप काम कर रहे हैं जो i5 से, तो 5 मिनट में हो जा रहा है, तो डुअल कोर में 7 मिनट 8 मिनट में होगा, इतना फ़र्क पड़ेगा। मगर उसका भी स्पीड बढ़ाने का तरीका आज इस मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है। क्या चल रहा है, आप SSD की जगह SSD NVMe लगवा सकते हैं, और ये स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आपको यही महसूस नहीं होगा कि आपका जो PC है वो डुअल कोर है या फिर i5 है, i5 को टक्कर देता है अगर आप SSD की जगह SSD डलवा लेते हैं। हाँ, प्राइस में थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, मगर आप लोगों का बजट मात्र 15 से 20,000 है तो आप 1 TB SSD डलवा लें, हार्ड ड्राइव डलवा लें, अगर SSD का बजट नहीं है। वैसे SSD में करीब और SSD में 1,000-2,000 रुपये का फ़र्क पड़ेगा, 1 TB में 2,000 का फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आपका बजट 2,000 और है तो आप SSD डलवा लें, 1,000 GB, 1 TB। आज के टाइम पर अगर आप सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं तो 1 TB मिनिमम आपका स्टोरेज होना चाहिए डुअल कोर प्रोसेसर। इससे ऊपर आपका बजट 25 से 30,000 का है तो आप i3 या फिर i5, 25 से 30,000 में i3 i5 मिल जाता है। मिलने को तो i5 50,000 का भी मिल जाएगा और 30,000 का भी मिल जाएगा। फ़र्क क्या पड़ेगा, एक तो ब्रांड का फ़र्क पड़ेगा, एक जो ब्रांड में फ़र्क पड़ेगा तो क्वालिटी में भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये मैटर करता है क्वालिटी, ब्रांड पर और फीचर पर। फीचर में ये हो गया कि कोई फास्ट चार्जिंग हो गया, या फिर किसी बैटरी का बैकअप ज़्यादा हो गया, या फिर मेटल बॉडी हो गया, प्लास्टिक बॉडी हो गया, इतना फ़र्क पड़ जाएगा, मगर प्रोसेसर आपको i5 मिल जाएगा। तो आपका बजट 25 से 30,000 है तो आप i5 1 TB के साथ ले सकते हैं। 1 TB मिनिमम है,
ऊपर को आप कितना भी जीबी स्टोरेज ले सकते हो और जितना स्टोरेज ज़्यादा लोगे उतना फ़ायदा है, क्योंकि आज के टाइम पर जो फर्मवेयर है वो 5 GB 6 GB 7 GB तक आने लगा है, तो आपके लिए स्टोर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 TB में भी काम हो जाता है, मेरा जो लैपटॉप है 1 TB में है और सारा काम हो जाता है। क्योंकि आज के टाइम पर एक और प्रॉब्लम भी आने लगी है, जैसे कि अगर आप सेव करके फाइल को रखेंगे तो वो पुराना वर्जन हो जाएगा, तो नया वर्जन सपोर्ट करता है जो अपडेट हो जाते हैं फ़ोन में, तो पुराना वर्जन से सेट ऑन नहीं होता, हैंग ऑन लोगो रिस्टार्ट या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है। इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे लिए डाउनलोड ही करना पड़ता है लेटेस्ट वर्जन का, तो ऐसा भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका बजट कम है तो आप डुअल कोर से भी काम चला सकते हैं, और आपका बजट अच्छा है तो i5 i7 भी ले सकते हैं। अब जनरेशन की बात आ गई, फिर जनरेशन का ये है कि आपको जितना लेटेस्ट जनरेशन लेते हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी लेटेस्ट मिल जाएगी। जनरेशन का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें i5 या i7 है वो होना ज़रूरी है। i5 का जो प्रोसेसर है वो पुरानी जनरेशन में लगा हुआ है या फिर नए जनरेशन के लैपटॉप में लगा हुआ है, तो उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। जनरेशन का मतलब ये होता है कि आज के टाइम की जनरेशन, जैसे कि पुराने ज़माने की जनरेशन पहले कैसे रहन सहन था और आज के टाइम पर कैसा रहन सहन है। तो जनरेशन का मतलब ये हो गया कि पुराने ज़माने में जो लैपटॉप हुआ करते थे वो मोटा हुआ करते थे, उसकी जो डिस्प्ले इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, TFT होती थी और फुल HD नहीं होती थी। और आज के जनरेशन में यह है कि आपको फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगी, बहुत स्लिम सा पतला सा लैपटॉप मिल जाएगा। जनरेशन में ये आपको फ़र्क ज़्यादातर देखने के लिए मिल जाएगा। और ये भी है जनरेशन के हिसाब से, जैसे कि आज के टाइम की जनरेशन, आज के टाइम पर टाइप सी पोर्ट जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में, जो कि आईफोन ने भी अपना सी पोर्ट दे दिया, तो उसी तरीका से सी पोर्ट आपको नए जनरेशन के लैपटॉप में मिलेगा। तो जनरेशन का मतलब ये हो गया, जनरेशन पर आप ज़्यादा ना दें अगर आपका बजट नहीं है तो। जनरेशन का मतलब ये है कि वो पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी थी और आज के ज़माने की टेक्नोलॉजी है। हाँ, स्पीड में आपको 19-20 का फ़र्क मिलेगा, ज़्यादा ऐसा नहीं मिलेगा, 20-25 का फ़र्क, इतना फ़र्क पड़ेगा 19 या फिर 20 जनरेशन में। वो नेट लेटेस्ट जनरेशन हो गया, पहले USB पोर्ट 2.0 आया करता था, 3.0 आ रहा है, तो वो जनरेशन का ही तो फ़र्क है। तो ये है जनरेशन, जनरेशन पे आप मत जाओ। अब यहाँ पर डाउट रह जाता है कि हमारे जो सारे सॉफ्टवेयर हैं वो किस विंडो में यूज में ले सकते हैं, यानी कि हमारे PC में हमने लैपटॉप तो ले लिया, सस्ता ले लिया, महंगा ले लिया। देखो, डुअल कोर आप प्रोसेसर में लैपटॉप लेते हैं तो वो विंडो 10 को भी सपोर्ट करता है और कुछ लैपटॉप विंडो 11 को भी सपोर्ट करता है, बट कुछ लैपटॉप है विंडो 7 ना विंडो 10 को ही सपोर्ट करता है, 11 को सपोर्ट नहीं करता है विंडो, सॉरी जो डुअल कोर प्रोसेसर है। तो कोशिश ये करें कि आपका बजट 20,000 के आसपास है तो थोड़े बहुत करीब 2-3,000 या 4,000 रुपये और डाल के आप i5 ले सकते हैं, i3 ले सकते हैं, उसमें आपको विंडो 11 का सपोर्टेड मिल जाएगा। वैसे तो डुअल कोर में भी आपको विंडो 11 का सपोर्ट मिलेगा, नहीं तो आप विंडो 10 बेस्ट ऑप्शन है आज के टाइम पर। अगर आपका लो प्राइस का लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है तो विंडो 10 रखो, थोड़ा सा हैंगिंग भी नहीं करेगा, प्रोसेसिंग ठीक ठाक मिल जाएगी। विंडो 11 में आपका प्रोसेसर है वो हैवी होना चाहिए, तो देख लो अगर आपका बजट कम है तो विंडो 10 64 बिट के साथ। आप किसी भी मार्केट में जाते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन जाते हैं तो उसका रिव्यू देख लो यूट्यूब पर, और ऑफलाइन जाते हैं तो आप उनसे ये बोलो कि ये विंडो 10 64 बिट सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। अब विंडो 10 प्रो भी होता है, होम भी होता है, और भी बहुत सारी विंडो होते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप होम भी डलवा सकते हैं, प्रो भी डलवा सकते हैं। दो वेरिएंट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहते हैं, विंडो 10 होम और विंडो 10 प्रो, दोनों में से आप कौन सा भी विंडो डलवा सकते हैं, जो कि विंडो 10 64 बिट होना ज़रूरी है। 64 बिट, 32 बिट मत डलवाना, 32 बिट में आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर है वो क्रैश होंगे, काम नहीं करेंगे अच्छे से। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो कि इसमेटिक का हो गया या फिर प्रोग्रामिंग का हो गया या फिर आप अनलॉकिंग का USB के थ्रू काम कर रहे हैं, तो आप विंडो 10 64 बिट में आप बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। और आज के टाइम पर सारे ये टूल है वो विंडो 10 को सपोर्ट करते हैं, 11 को भी सपोर्ट करते हैं, और मार्केट में जो ड्राइवर का इशू था वो भी ड्राइवर अपडेट होगा, विंडो 10 11 के भी आ चुके हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप कोई भी लैपटॉप लें, डुअल कोर से ऊपर ले लें या फिर डुअल कोर ले सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपका बजट बहुत ही ज़्यादा कम है, 20,000 15,000 भी कम है, 15,000
से भी कम है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप कंप्यूटर बनवा लें, एक सीपीयू ले लो और एक मॉनिटर। मॉनिटर आज के टाइम पर बहुत सस्ता मिल जाता है, पहले तो 8-10 हज़ार रुपये की डिस्प्ले आती थी, आज तो 3-4 हज़ार रुपये की डिस्प्ले आ जाती है। तो आप 3-4 हज़ार रुपये डिस्प्ले ले लो और एक जो सीपीयू बनवा लो, करीब 7-8 हज़ार रुपये का आपको i3 या डुअल कोर बन जाएगा, जिसमें आप रैम है वो 4GB डलवा सकते हैं और 1TB SSD डलवा सकते हैं, SSD ना मिले तो SSD डलवा सकते हैं। तो आपका करीब 12-13 हज़ार रुपये में काम हो जाएगा, यहाँ तक मेरा मानना है। UPS ना लें, आपके इन्वेटर में आज के टाइम के जनरेशन के जो इन्वेटर हैं तो UPS ऑलरेडी होता है, तो आप UPS बिल्कुल भी ना लें। तो आप लोगों का बहुत सारे डाउट थे, ये तो मुझे यहाँ तक लगता है कि ज़्यादातर कवर हो चुके होंगे सारे डाउट, अब वो क्लियर हो चुके होंगे। मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, अगर आपका बजट 15 से 20 हज़ार है तो आप लैपटॉप ले लें और जिसमें आपको 4GB रैम और 1TB SSD डलवा लें, या फिर SSD वाला ले लें, डुअल कोर हो, i3 हो, i5 हो, कोई भी हो चल जाएगा, डुअल कोर से कम नहीं लेना। उसमें विंडो 10 64 बिट, विंडो 10 होम प्रो में से कौन सा भी डलवा सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप प्रोग्रामिंग UEFI और EasyJTAG या फिर और कोई भी बॉक्स है वो आसानी से चल जाएगा, कोई भी हैंगिंग नहीं होगा। थोड़ा बहुत स्लो टाइप का होता है, कुछ हैवी प्रोसेसर पर या फिर हैवी प्रोग्रामिंग होती है, जैसे कि ज़्यादा GB की स्टोरेज आप राइट कर रहे हैं तो उस टाइम प्रोसेसिंग स्लो हो सकती है, बट आपका हैंगिंग नहीं होगा। तो कोशिश ये करें, आपका बजट है तो लैपटॉप लें, बजट कम है तो आप कंप्यूटर बनवा सकते हैं। कंप्यूटर लैपटॉप के कंपेरिजन अच्छा भी होता है, थोड़ा जगह तो गिरता है बट लैपटॉप से कई गुना अच्छा होता है कंप्यूटर, और फास्ट भी चलता है और कम में भी बन जाता है। तो आप ये ना सोचें कि हमारा बजट ज़्यादा होना चाहिए जब भी हम एक सॉफ्टवेयर का काम कर सकते हैं या फिर हम लैपटॉप चला सकते हैं, आप मुलायम सिंह वाला लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हैं। अब तो नहीं यार, अब तो कबाड़े हो गए, मेरा भी ख़राब हो गया पड़ा है, मगर अभी मैंने बेचा नहीं है, बहुत दिन चलाया मैंने सही करा के, उसका बैटरी भी डलवाया, बहुत सामान डलवाया था बट चला, और अच्छे से सॉफ्टवेयर चला था, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप डुअल कोर से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। आपका डाउट कोई भी और रह गया है तो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, या फिर किसी भी और डाउट आपका है तो क्लियर करवाना चाहते हैं, या फिर किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट जरूर करना, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। थैंक यू।